अधिकारी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पदाधिकारी चीटी को सरकारी पद का धौंस दिखा रहे हैं और खुद को एडीएम बता रहे हैं। दरअसल ये पदाधिकारी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। तस्वीरें पटना जंक्शन की है, जहां टीटी ने जब इनसे टिकट मांगी तो साहब कन्नी काटकर भागने लगे, लेकिन टीटी ने इनका दूर तलक जाकर पीछा किया और आखिरकार इन्हें पकड़ ही लिया। अब बिना टिकट पकड़े जाने के बाद साहब टीटी को भी समझाने लगे, अपने पद का धौंस दिखाकर निकलने की कोशिश करने लगे। हालांकि टीटी बार बार टिकट दिखाने की जिद करते रहे, साहब दलील देते रहे, लेकिन टीटी ने उनकी एक नहीं सुनी। बात बिगड़ते देख उन्होंने टीटी को मैनेज करने की कोशिश भी की, लेकिन नौकरी का हवाला देते हुए टीटी साहब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। अब हम आपको बताते हैं कि ये साहब आखिर है कौन। दरअसल ये साहब बक्सर के भूमि उपसमाहर्ता यानी DCLR राजेश कुमार हैं, जो बिना टिकट सफर करते पकड़े गए और पानी पानी हो गए। काफी मशक्कत के बाद और गुजारिश के बाद टीटी ने वीडियो बनाना तो बंद कर दिया। इस बीच साहब जिला मुख्यालय से पिछले 4 दिनों से लापता है और बक्सर के अपने सरकारी आवास पर ताला जड़कर वो कहीं चले। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सर, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपके बारे में मैं पता करूंगा। मैटर है सर, आप विदाउट टिकट है सर। किसने बोला विदाउट टिकट? तो टिकट दिखा दीजिए सर। किसने बोला विदाउट? तो मैं टिकट मांग रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए, 2 मिनट रुक जाए, आप मोबाइल लगे बात तो कर रहा हूँ सर। मोबाइल को काइंडली रखिए प्लीज। सॉरी सर, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, जो बात होगा रिकॉर्डिंग बात होगा सर। मेरी बात आप रख तो लीजिए। नो सॉरी सर, ऐसा नहीं। नो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि आपके परमिशन में हूँ, तो आप कुछ भी कर लो। क्यों, मेरी परमिशन में है क्या? मतलब मेरा पिताजी का इतनी मिसेज है सर, मैं तो नौकर हूँ रेलवे सर। इसलिए तो उसको काइंडली रख लीजिए, फिर आप कर लीजिए प्लीज। ना सर, ये सिस्टम है सर, ये कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन है, इस टाइप में जब होता है तो इसको रिकॉर्डिंग।